कंप्यूटर परिचय एवं विकास क्रम। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ है गणना करना। कंप्यूटर जिसे हिंदी में अभिकालिक तथा संगणक कहा जाता है। कंप्यूटर सी का हो गया कैलकुलेशन, गणना। ऑपरेटिव क्रियाशील, मैकेनिक्स यांत्रिकी। प्रोसेस प्रक्रिया, यूजफुल उपयोगी। द सोर्स शब्दकोश, एक्सटेंसिव विस्तृत। रिसर्च अनुसंधान शोध। कंप्यूटर का तात्पर्य ऐसे यंत्र से है जिसका उपयोग गणना प्रक्रिया उपयोगी अनुसंधान यांत्रिकी शोध आदि में किया जाता है। कंप्यूटर का विकास क्रम। कंप्यूटर का विकास क्रम 3000 वर्ष पुराना है। चीन ने सबसे पहले गणना यंत्र अबेक्स का आविष्कार किया था। द इनिक, इस कंप्यूटर का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटेग्रेटर एंड कैलकुलेटर है। इसका विकास आर्मी के लिए किया गया था। ये आर्मी है। कंप्यूटर की पीढ़ियां, कंप्यूटर जनरेशन। जनरेशन फर्स्ट 1945 से 1955, जनरेशन सेकंड 1956 से 1965 और जनरेशन थर्ड 1966 से 1975, जनरेशन फोर्थ 1976 से 1985 और जनरेशन फाइव 1985 से अभी तक। पांचवी पीढ़ी, इस पीढ़ी में आईसी की आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाने लगा था। आईसी की यह तकनीकी यूएलएसआई थी। इसका पूरा नाम अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटेग्रेशन है। इसमें हाई लेवल की भाषा का प्रयोग प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता है, जो अधिक सरल है। इन भाषाओं में जीयूआई इंटरफेस का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर के प्रकार, टेक्नोलॉजी, साइज और यूज। एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। साइज में मैनी फ्रेम, मिनी, माइक्रो। यूज में जनरल पर्पज, स्पेशल पर्पज। माइक्रो कंप्यूटर, यह कंप्यूटर आकार में छोटे होते हैं। इन कंप्यूटर का विकास 1970 के दशक में हुआ था। इन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता था। इन कंप्यूटर्स को पीसी भी कहा जाता है। पीसी को निम्न भागों में बांटा गया है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, आर्मटॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, टैबलेट कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर विशेष प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। इनका निर्माण विशेष कार्य के लिए किया जाता है। यह दुनिया के सबसे तेज और बड़े कंप्यूटर होते हैं। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम है। सुपर कंप्यूटर का कार्य अंतरिक्ष यात्रा के लिए, मौसम विज्ञान के जानकारी ज्ञात के लिए, युद्ध के समय उपयोग होता है इनका। मिनी कंप्यूटर, PDP-8 फर्स्ट मिनी कंप्यूटर, जिसका विकास 1965 में किया गया। DEC कंपनी ने बनाया था। DEC का पूरा नाम डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन है। कंप्यूटर की विशेषताएं, स्पीड, एक्यूरेसी, मेमोरी, वर्जिटल, डिजिटल मेकिंग, डिजाइन मेकिंग, पावर मुख्य विशेषताएं हैं। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मैथमेटिकल गणितीय और लॉजिकल तार्किक। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो गणितीय और तार्किक दोनों प्रकार की गणना करता है। डेटा, आंकड़े, डेटा प्रोसेसिंग और इन्फॉर्मेशन। कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो दिए गए आंकड़ों को सूचना में परिवर्तित करता है। EDP इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। बेसिक पार्ट्स, इनपुट CPU, मेमोरी, आउटपुट। डेटा ले भी रहा है और दे भी रहा है। CPU से आउटपुट प्राप्त होता है। जैसे व्यक्ति जब सवाल को देखता है और फिर सवाल को ग्रहण करता है तो वह इनपुट है। जब मस्तिष्क CPU विचार करता है और सवाल को हल करने के लिए सोचता है तो मस्तिष्क CPU वाला ही कार्य करता है। और जो सवाल
को अपने हाथों द्वारा हल किया वह आउटपुट है, जिससे किया वह भाग है, और जिस सूत्र को अपनी स्मृति में से धारण किया है वह मेमोरी है। इनपुट डिवाइस मानवीय निर्देशों को कंप्यूटर को समझने योग्य संकेतों में परिवर्तित करने के लिए जिन युक्तियों का प्रयोग किया जाता है उन्हें इनपुट युक्तियां कहते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस आदि। ऑनलाइन इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक कॉल, डिजिटल टैबलेट, MICR, OCR, OMR, VCR, लाइट पेन, टच स्क्रीन, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन। कीबोर्ड टेक्स्ट एंट्री F1 टू F12, 104 की, फंक्शन की, स्पेस बार सबसे बड़ी कुंजी। कुछ कुंजी केवल शिफ्ट और कंट्रोल के साथ दबाने पर ही कार्य करती है, इन्हें संयोजन कुंजी कहते हैं। एक बार दबाने पर ऑन और दोबारा दबाने पर ऑफ हो जाती है, इन्हें टॉगल की कहते हैं। कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रोल लॉक, ये है टॉगल की। माउस तीन प्रकार के होते हैं। माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस, वायरलेस माउस। माउस में कुल तीन बटन होते हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन और बीच में एक स्क्रोल बटन। वर्तमान में ऑप्टिकल माउस सबसे अधिक प्रयोग हो रहा है। स्कैनर, इसे हम सूचना एवं डाटा को कंप्यूटर के अंदर सीधे इनपुट कर सकते हैं। अधिकांश डॉक्यूमेंट या फाइल जो स्टोर करते हैं वह दो रूपों में स्टोर होती है, PDF और JPEG। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप पिक्चर या फोटोग्राफिक। A3 A4 पेज साइज वाले स्कैनर को फ्लैट बेड स्कैनर कहते हैं। बड़े कागज के लिए स्कैन करने वाले स्कैनर को पोर्टेबल स्कैनर कहते हैं। वेब कैमरा फोटो स्क्रीन पर दिखाई देती है। जॉयस्टिक, इसे कंप्यूटर में खेल खेलते समय प्रयोग किया जाता है, जिसे हम विभिन्न दिशाओं में घुमा सकते हैं। VCR विभिन्न वस्तुओं को पैक पर रहता है, जिस पर वस्तु से संबंधित समस्त जानकारी होती है। MICR चेक पर विशेष चुंब की स्याही द्वारा करेक्टर छापे जाते हैं। OMR प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रयोग होती है। QR इसे हम सीधे ही वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं। माइक्रोफोन माइक आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए कंप्यूटर में भेज सकते हैं। लाइट पेन का प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई भी चित्र या आकृति का निर्माण करने के लिए किया जाता है। टच स्क्रीन का प्रयोग बैंकिंग, रेलवे, एयरपोर्ट, लाइब्रेरी, कैटलॉन फाइलें ढूंढने में किया जाता है। वॉइस रिकॉग्निशन, इसकी सहायता से हम डाटा को कंप्यूटर में बोलकर इनपुट करा सकते हैं। CPU का कार्य दिए गए डाटा को प्रोसेस करके उससे आउटपुट के रूप में सूचनाएं परिणाम प्रदर्शित करना होता है। CPU को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। CU कंट्रोल यूनिट, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और रजिस्टर। CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के आंतरिक क्रियाओं को संचालित करके उन्हें नियंत्रित करती है, तत्पश्चात इन क्रियाओं का ALU तथा मेमोरी में आदान प्रदान करती है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यह सभी प्रकार के अर्थमेटिक और लॉजिकल क्रियाएं करती है। ALU कंट्रोल यूनिट से डाटा तथा निर्देशों को प्राप्त करके उन्हें क्रियान्वित करता है, तत्पश्चात डाटा तथा निर्देशों को सूचना के रूप में मेमोरी में भेज देता है। रजिस्टर, यह एक प्रकार की अति सूक्ष्म मेमोरी है। विश्व में सर्वाधिक CPU निर्माण करने वाली कंपनी इंटेल है। वर्तमान में काम आने वाले CPU i3, i4, i5, i7 है। आउटपुट, कंप्यूटर द्वारा परिणाम दिए जाते हैं उनको आउटपुट कहते हैं। आउटपुट को दो प्रकार के होते हैं, हार्ड कॉपी आउटपुट
और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। हार्ड कॉपी आउटपुट प्रिंटर द्वारा प्रिंट होती है या स्थाई होती है और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट मॉनिटर पर प्रदर्शित होती है या अस्थाई होती है। आउटपुट डिवाइस मॉनिटर, इसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है, वीडियो या विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर पर अंकित अति सूक्ष्म बिंदुओं को पिक्सल कहते हैं और इन्हीं पिक्सल के द्वारा पिक्चर का निर्माण होता है। एक कोने से दूसरे कोने तक मापते हैं। कुल पिक्सल की संख्या के लिए एक शब्द है जिसे रेजोल्यूशन कहते हैं। टाइप ऑफ मॉनिटर CRT, इसमें वैक्यूम ट्यूब होते हैं। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, दो कांच की परतों के मध्य एक सरल तरल पदार्थ भरा जाता है जिससे पिक्चर का निर्माण होता है, जैसे लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां, मोबाइल की स्क्रीन आदि। इसमें एक समय में एक ही व्यक्ति काम करता था। LED लाइट इमिटिंग डायोड, इसमें प्रकाश का उत्सर्जन किया जाता था, वर्तमान में सर्वाधिक प्रयुक्त होती है। TFT LED प्रिंटर, प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर यह कागज को स्पर्श करता है जैसे टाइपराइटिंग मशीन। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इसके द्वारा कागज को स्पर्श नहीं किया जाता। इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंटर के प्रकार करेक्टर पिक्चर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। एक एक अक्षर प्रिंट करता है और लाइन प्रिंटर एक बार में पूरी लाइन को प्रिंट करता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, वे प्रिंटर जो प्रिंटिंग करते समय आवाज नहीं करते। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर, रंगीन इंकजेट प्रिंटर में स्याही के चार नोजल होते हैं, नीला, लाल, पीला और काला, इसलिए इनको CYMK प्रिंटर भी कहते हैं। इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी प्राय 300 DPI डॉट पर इंच होती है। लेजर प्रिंटर, इसका प्रयोग कंप्यूटर में 1970 के दशक से किया जा रहा है। इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी 300 से 600 DPI तक होती है, जो सर्वश्रेष्ठ होती है। इसकी गति को PPM में मापा जाता है। यह लेजर किरणों के सिद्धांत पर आधारित है। पहला लेजर प्रिंटर जेरोक्स कंपनी द्वारा तैयार किया गया था। प्लॉटर, इसमें चित्र और ग्राफ को प्रिंट किया जाता है, यह 3D प्रिंटिंग भी कर सकता है। इसके द्वारा बैनर, पोस्टर आदि को प्रिंट किया जाता है। यह दो प्रकार के होते हैं, ड्रम पेन प्लॉटर और स्लेटेबल प्लॉटर। साउंड कार्ड और स्पीकर, साउंड कार्ड एक एक्सटेंशन बोर्ड होता है जिसका प्रयोग साउंड को एडिट करने एवं आउटपुट करने के काम आता है। LCD प्रोजेक्टर, बड़ा दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मेमोरी, यह कंप्यूटर की स्टोरेज यूनिट है, इसमें हम डेटा प्रोग्राम आदि को स्टोर करके रख सकते हैं। इसको नापने की साइज के आधार पर कई यूनिट हैं, जैसे बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट। इसमें सबसे छोटी यूनिट बाइट होती है एवं सबसे बड़ी यूनिट टेराबाइट होती है। बाइट से छोटी बिट भी होती है, लेकिन बिट 1024 बिट के अंदर एक बाइट होता है और 1024 बाइट के अंदर एक किलोबाइट होता है। 1024 किलोबाइट के अंदर एक MB मेगाबाइट होता है और 1024 MB के अंदर एक GB होता है। GB मतलब गीगाबाइट,
और 1024 गीगाबाइट या जीबी के बराबर होता है 1 TB टेराबाइट। यह दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी, इस मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है। यह दो प्रकार की होती है, रैम और रोम। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी कहा जाता है। यह अस्थाई मेमोरी होती है, यह वॉलेटाइल मेमोरी कहलाती है। यह एक सेमी कोडिटर और फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनी होती है। यह दो प्रकार की होती है मुख्यतः, स्रैम और ड्रैम। SRAM और DRAM। PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस चिप में एक बार प्रोग्राम स्टोर किया जा सकता था। यदि प्रोग्राम में त्रुटि या एरर होती थी तो उसमें कोई सुधार नहीं किया जा सकता था। EROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EEPROM, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। द्वितीयक मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को ऑक्सिलेटरी स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर का भाग नहीं होती है, इसका स्टोरेज क्षमता अधिक होती है। डाटा को एक्सेस करने की गति प्राइमरी मेमोरी से धीमी होती है। फ्लॉपी डिस्क, इसकी लंबाई दी हुई है, दो टाइप की हैं, 5.25 और 3.5 इसकी लंबाई हो गई, और क्षमता 1.2 MB और इसकी क्षमता 1.44 MB इसकी क्षमता होगी फ्लॉपी डिस्क की। CD का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क, क्षमता 700 MB। DVD, डिजिटल वर्सटाइल वीडियो डिस्क, क्षमता 4.7 GB। हार्ड डिस्क, सर्वाधिक क्षमता होती है, वर्तमान में 2 TB तक की हार्ड डिस्क उपलब्ध है। USB, यूनिवर्सल सीरियल बस। USB पोर्ट पर जब भी हम कुछ लगाते हैं तो CPU पढ़ देता है। USB सेकेंडरी मेमोरी। पेन ड्राइव, निर्धारित क्षमता नहीं बताई जा सकती। मेमोरी कार्ड, ये अलग अलग इसकी भंडारण क्षमता होती है। कंप्यूटर केवल 0 या 1 ही भाषा समझता है और यह जानकारी बाइनरी के रूप में सेव होगी। कंप्यूटर पर यदि हम कोई भी कुंजी दबाते हैं तो वह 0 या 1 के रूप में सेव होती है। कंप्यूटर पर यदि कोई भी कुंजी दबाते हैं तो 1 byte चाहिए, यानी 8 bit। न्यूनतम क्षमता रखने के लिए 1 byte, इसमें सबसे छोटी बिट तथा उससे बड़ी सबसे बड़ी टीबी होती है। SRAM, इसका पूरा नाम सेंट्रिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। यह फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनी होती है, इसलिए यह कम रिफ्रेश होती है। DRAM, इसका पूरा नाम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। यह मेमोरी जल्दी जल्दी रिफ्रेश होती है। रिफ्रेश का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और डिस्चार्ज से होता है। यह 1 सेकंड में हजारों बार रिफ्रेश होती है, अतः इसकी गति धीमी होती है। SDRAM, इसका पूरा नाम सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। NVRAM, इसका पूरा नाम नॉन वॉलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इस रैम का प्रयोग नेटवर्क डिवाइस में हार्ड डिस्क के रूप में किया जाता है।
ROM, ROM, रीड ओनली मेमोरी। यह कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है। यह स्थाई मेमोरी होती है। इसमें कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाले प्राथमिक प्रोग्राम एवं सेटिंग्स होती है। यह तीन प्रकार की होती है, PROM, EPROM और EEPROM। यूनिट्स ऑफ मेमोरी। सबसे बड़ा KB, TB, MB, GB। सबसे बड़ा इसमें हो गया TB। 0.1 बराबर 1 बिट, 8 बिट्स बराबर 1 बाइट और 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट, 1024 KB बराबर 1 मेगाबाइट और 1024 MB बराबर 1 गीगाबाइट और 1024 GB बराबर 1 टेराबाइट। व्यवहारिक रूप से बड़ा TB। यह क्रमों में आगे चलता रहता है, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, जोटाबाइट। क्रम 1 बिट, बाइट, KB, MB, GB, TB। हार्डवेयर। कंप्यूटर के भौतिक भाग रैम, रोम, आउटपुट, इनपुट या मेमोरी का कोई भी भाग हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर। मानव द्वारा दिए गए निर्देशों या निर्देशों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर या एक से अधिक प्रोग्राम का समूह होता है। इस सॉफ्टवेयर के द्वारा कंप्यूटर उसके हार्डवेयर को नियंत्रित किया जाता है। यह यूजर एवं हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का निर्माण करते हैं। यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाते हैं। नए हार्डवेयर का प्रयोग करने के लिए सहयोग प्रदान करते हैं। यह कंप्यूटर के मेंटेनेंस का कार्य करते हैं। यह कंप्यूटर को नियंत्रित करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रत्येक कंप्यूटर को ऑपरेटिंग की आवश्यकता होती है। बिना इसके कंप्यूटर को प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यूजर एवं कंप्यूटर के बीच इंटरफेस का निर्माण करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये वे प्रोग्राम होते हैं जिनका प्रोग्राम यूजर अपने डेली रूटीन के कार्य करता है। उदाहरण, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, डाटाबेस सॉफ्टवेयर, ग्राफिक सॉफ्टवेयर। सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट, सरल संसाधन, कोरल ड्रो, पेंट, पावर पॉइंट आदि। कंप्यूटर के मशीनी उपकरण है हार्डवेयर। लैन प्रयुक्त होता है स्थायी क्षेत्र के नेटवर्क के लिए। DOS का अर्थ है डिस्क संचालन प्रणाली। कंप्यूटर गणितीय क्रियाकलाप करता है रजिस्टर्स में। डाटा को सुरक्षित रखने का तरीका है बैकअप प्लान। वायरस होता है डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। MS वर्ल्ड का एक्सटेंशन होता है DOC। FAT का अर्थ होता है फाइल एलोकेशन टेबल। वर्कशीट पर अधिकतम कॉलम्स और रोज की संख्या होती है 1024 और 1025। लाइन प्रिंटर की गति की इकाई है लाइन प्रति मिनट। गेट पूर्ण करता है इनपुट को। मैन का पूर्ण रूप होता है मल्टीनेशनल एरिया नेटवर्क। इंटरनेट पर भेजे जाने वाला संदेश कहलाता है ईमेल। पावर पॉइंट का निर्माण किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। ईमेल का पूर्ण रूप हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। कंप्यूटर अशुद्धि कहलाता है बग। सोर्स प्रोग्राम एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण है। हार्ड डिस्क की स्पीड होती है 3600 चक्कर प्रति मिनट। फ्लॉपी डिस्क की घूर्णन होती है 150 से 250 चक्कर प्रति मिनट। कोबोल भाषा का प्रयोग होता है व्यावसायिक कार्य में। कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ कहलाता है डेस्कटॉप। जॉयस्टिक का प्रयोग होता है गेम खेलने में। PC का अर्थ है पर्सनल कंप्यूटर। कंप्यूटर का डाटा का अर्थ है इंफॉर्मेशन।
हार्ड डिस्क की गति मापी जाती है आरपीएम में। पहले कंप्यूटर की भाषा कौन सी थी? फोरट्रान। द्विआधारी अंकन पद्धति के दो अंक हैं 0 और 1। डीओएस और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है। फाइल का नाम अधिकतम हो सकता है 8 करेक्टर का। नोट्स है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। Y2K समस्या संबंधित है कंप्यूटर से। 1 बाइट में होते हैं 8 बिट्स। कंप्यूटर की असेंबली भाषा है द्विआधारी संख्या। फ्लोपी है एक प्रकार की मेमोरी डिवाइस। 3.25 के फ्लोपी में आंकड़ा स्टोर कर सकते हैं 1.44 MB। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है T3A। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन सा है? अमेरिका। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया जाता है J.S. किल्वी ने। WWW के आविष्कारक एवं प्रवर्तक टिम बर्नर्स-ली। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? बिट। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का संयुक्त रूप कहलाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? KK1S। याहू, गूगल, MSN है इंटरनेट सर्च इंजन। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका है इंडिया टुडे। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम संचार पत्र है द हिंदू। कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां विकसित की गई? 5। कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची कहलाती है मेनू। 1 बाइट के बराबर होता है 8 बिट। देश का पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर है नई दिल्ली का। कंप्यूटर विज्ञान में PhD करने वाले पहले भारतीय हैं डॉक्टर राज रेड्डी। भारत में कंप्यूटर के सहयोग से संगीत किया गया प्रथम एल्बम का नाम है बेबी डॉल। माउस का आविष्कार किया गया डगलस सी इंजेबलर ने। कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों के क्रमबद्ध समूह कहलाता है प्रोग्राम। वह सॉफ्टवेयर जिसका कोई कॉपीराइट नहीं होता कहलाता है फ्रीवेयर। www.google.com उदाहरण है वेबसाइट का। जावा, कोबोल, ओराकल तथा सी है प्रोग्रामिंग भाषा। एक्सेस स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन होता है XLS। ट्रैकबॉल उदाहरण है पॉइंटिंग डिवाइस का। BIT का पूरा नाम है बाइनरी डिजिट। कंप्यूटर के लिए सारा थिंकिंग करता है कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर डाटा को परिवर्तित करता है इन्फॉर्मेशन में। RAM उदाहरण है वोलेटाइल मेमोरी का। वेबसाइट को विजिट रूप से क्या आइडेंटिफाई करता है? URL। माउस, प्रिंटर तथा स्कैनर उदाहरण है इनपुट का। वेबसाइट कलेक्शन होता है वेब पेजेस का। डाटा स्टोर करने और प्रिकलन के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम करता है प्रयोग करता है बाइनरी नंबर सिस्टम का। URL का पूरा पूर्ण रूप है यूनिफ्रेम रिसर्च लोकेटर। नेटवर्कों का वृद्ध नेटवर्क कहलाता है इंटरनेट। ईमेल संदेशों के लिए स्टोरेज क्षेत्र कहलाता है मेल बॉक्स। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा था? सिद्धार्थ। ASCII में एक करेक्टर के बराबर होता है 8 बाइट्स के। चुंबकीय डिस्क पर परत होती है आयरन ऑक्साइड की।
बाइनरी नंबर सिस्टम में प्रयोग होता है जीरो और एक का। एक KB के बराबर होता है 1024 बाइट्स। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था यूनिवैक। नॉर्टन है एंटीवायरस टूल। वायरस होता है एक प्रोग्राम। कंप्यूटर डंप होने का कारण है वायरस। कंप्यूटर का आईसी चिप बना होता है सिलिकॉन का। WWW का पूर्ण रूप है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कब हुआ? 1989-90 में। भारत की सिलिकॉन वैली स्थित है बेंगलुरु में। वर्ल्ड वाइड वेब है इंटरनेट सर्विस। जॉन नेपियर ने लघुगणक का आविष्कार किया 1614 में। सीडी रोम का शाब्दिक अर्थ है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। फ्लॉपी का साइज होता है 3.25 तथा 5.25। हार्ड डिस्क होता है सेकेंडरी मेमोरी। विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है इंटरनेट। कंप्यूटर नेटवर्क में संपर्क तोड़ने की क्रिया कहलाती है लॉग आउट। LAN लैन का पूर्ण रूप है लोकल एरिया नेटवर्क। भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है परमपदम। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति को मापा जाता है मेगाहर्ट्ज में। WAN का पूर्ण रूप है वाइड एरिया नेटवर्क। परम पद संबंधित है कंप्यूटर से। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कंप्यूटर है परम। डायरेक्टरी के भीतर डायरेक्टर कहलाता है सब डायरेक्टरी। पिक्चर साउंड और वीडियो से बनी आउटपुट कहलाता है मल्टीमीडिया। वर्कबुक एक कलेक्शन है वर्कशीटों का। ASCII सिस्टम उपलब्ध करवाता है 128 विभिन्न कैरेक्टर्स। फाइलों को व्यवस्थित किया जाता है फोल्डर्स में स्टोर करके। असेंबली लैंग्वेज क्या है? लो लेवल लैंग्वेज। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में बांटने की प्रक्रिया कहलाती है फॉर्मेटिंग। लिनक्स सॉफ्टवेयर है शेयरवेयर किस्म का। पोस्ट का पूर्ण रूप है पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट। मौजूदा डॉक्यूमेंट की डिस्क पर कॉपी बनाने के लिए प्रयुक्त कमांड है सेव एज। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है मदरबोर्ड। इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया कहलाती है ई कॉमर्स। कमांड्स को संपन्न करने की प्रक्रिया कहलाती है एग्जीक्यूटिंग। वेब पेज का प्रथम पेज कहलाता है होम पेज। टेक्स्ट में आपकी स्थिति को दिखाता है ब्लिंकर। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की विधि कहलाती है डिजिटलाइजेशन। किसी शब्द की लंबाई मापी जाती है बिट में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले हुआ था अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में। इंटरनेट पर वेबसाइट बनाने वाली भारत की पहली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। फैट का अर्थ है फाइल इलेक्शन टेबल। पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था? 12 अगस्त 1981 को। पर्सनल कंप्यूटर को सर्वप्रथम बनाया था IBM ने। फाइल होता है रिकॉर्ड्स का संग्रह। लोट्स 1, 2, 3 है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। रिकॉर्ड्स होता है आंकड़ों का संग्रह। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है लेजर प्रिंटर। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है हार्डवेयर। पहली बार इंटरनेट पर राज्य की टेलीफोन डायरेक्टर उपलब्ध करवाने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? सिक्किम। Y2K की समस्या से प्रभावित विश्व का एकमात्र देश है जाम्बिया। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन सा था? सीब्रेन।
Y2K का पूर्ण रूप है ईयर 2000। देश की पहली क्षेत्रीय भाषा जिसका कीबोर्ड उसी की अपनी भाषा में उपलब्ध है, तो पहली ऐसी तमिल भाषा है जिसमें उसका कीबोर्ड उपलब्ध है। WAN का पूर्ण रूप है वाइड एरिया नेटवर्क, GB गीगाबाइट बराबर होता है 1024 MB मेगाबाइट। IBM का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। MICR का पूर्ण रूप है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। कंप्यूटर से संबंधित लघु रूप AMR ऑडियो मॉडर्न रीजर। BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CSS। कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स GB गीगाबाइट। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। IC इंटीग्रेटेड सर्किट। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। JPEG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। KB किलोबाइट। LAN लोकल एरिया नेटवर्क। LED लाइट इमिटिंग डायोड। MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। MMU मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। MPEG मेंशंस पिक्चर कोडिंग एक्सपर्ट ग्रुप। MS DOS माइक्रोसॉफ्ट DOS। PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क। PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। POP पॉइंट ऑफ प्रेसेंस। POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल V3। RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी RIP। राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ROM रीड ओनली मेमोरी TB टेराबाइट। URL यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। WAN वाइड एरिया नेटवर्क। WPA वायरलेस प्रोटोकॉल। WWW वर्ल्ड वाइड वेब। XHTML एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के पूर्ण नाम। गूगल ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। याहू येट अनदर हेरेंचिकल ओपिशियस ओरेकल। विंडोज वाइड इंटरेक्टिव नेटवर्क ड्राइव डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन। कंप्यूटर कॉमन ओरिएंटेड मशीन पार्टिकुलरी यूनाइटेड एंड यूजुअल अंडर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। वायरस वेटल इंफॉर्मेशन रिसर्च अंडर साइज। DVD डिजिटल वीडियो डिस्क। तो आपके PDF यहाँ पे एंड हो चुके हैं। आपको इसमें कंप्यूटर से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारियाँ इस वीडियो में दी गई थी। तो हमारी द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आपको हर वीडियो में इंडिया GK हरियाणा GK ऑल टाइप्स एग्जाम्स के PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलते रहते हैं। तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना।